हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ आई म्यू जे रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम आई टू मीडियम जे, देन द प्रोडक्ट 2 म्यू 1 मल्टीप्लाई 3 म्यू 2 मल्टीप्लाई 4 म्यू 3 इज इक्वल टू। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आई म्यू जे का मीनिंग। इसमें यहाँ पर लाइट रे एंटर करेगी मीडियम आई से मीडियम जे में, और इसको हम कॉल करते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जे। इट मींस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम कौन सा है? यहाँ पर मीडियम आई है। तो बच्चों, इसका हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है म्यू जे डिवाइडेड बाय म्यू आई, जहाँ म्यू जे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, और म्यू आई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम आई का एयर के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों, हमें जो सीक्वेंस गिवन है 2 म्यू 1 मल्टीप्लाई 3 म्यू 2 मल्टीप्लाई 4 म्यू 3, इसका आंसर अगर हम इक्वेशन 1 से रेफर करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 2 म्यू 1 के लिए हम लिख सकते हैं म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2, 3 म्यू 2 के लिए लिख सकते हैं म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 3, एंड 4 म्यू 3 के लिए लिख सकते हैं म्यू 3 डिवाइडेड बाय म्यू 4। तो बच्चों, अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि म्यू 3 एंड म्यू 3 कैंसिल हो जाएगा, म्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 4। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू म्यू, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। यहाँ से हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम यहाँ लिख रहे हैं I म्यू जे, तो हमें आंसर मिल रहा है म्यू जे डिवाइडेड बाय म्यू आई। सो बच्चों, बेसिकली यहाँ पर हमें ये आंसर क्या मिलेगा, दिस इज 1 म्यू 4। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 म्यू 4, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 म्यू 1। बट एज वी नो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 1 इक्वल्स टू यूनिटी आता है। तो अगर हमें फाइंड करना है 1 म्यू 4 के टर्म्स में, क्योंकि हम ऑप्शंस में देख सकते हैं 4 एंड 1 का कॉम्बिनेशन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 4 म्यू 1, एंड देन हम ये एक्सप्रेशन से इसको क्या लिख देंगे, 1 बाय 1 म्यू 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।